पर जारी सियासत में अब एक्टर ऋषि कपूर भी कूद पड़े हैं। उन्होंने अपने कई ट्वीट के जरिए गांधी परिवार पे निशाना साधा है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये तक कह दिया कि बाप का माल समझ रखा था। गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर एक्टर ऋषि कपूर ने सवाल पूछा है कि आखिर हर प्रॉपर्टी का नाम गांधी परिवार के नाम पर क्यों है। ऋषि कपूर का कहना है कि दिल्ली में अगर नाम बदले जा सकते हैं तो फिर मुंबई की फिल्म सिटी या फिर बांद्रा वर्ली सीलिंग का नाम बदल कर दूसरे अहम लोगों के नाम पर क्यों नहीं रख देना चाहिए। गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस की ओर से किए गए नामकरण को बदल दो। बांद्रा वर्ली सीलिंग का नाम लता मंगेशकर या जीआरडी टाटा रोड कर दो। बाप का माल समझ रखा था। अगर दिल्ली की सड़कों के नाम बदले जा सकते हैं तो फिर कांग्रेस की संपत्तियों के नाम क्यों नहीं। गांधी परिवार का नाम आने के बाद इसे लेकर सियासी बयान भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऋषि कपूर इसके जरिए पीएम मोदी से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। Abuse the Congress leadership just to get into the good books for the BJP. This is the cheap game some people are playing. हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को इंटॉलरेंट नहीं होने की सलाह दी है। इतना असहिष्णु होने की जरूरत नहीं है कि इतिहास की भी चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है, संघ का एजेंडा लागू किया जा रहा है। वहीं एनसीपी ने ऋषि कपूर की सोच को पीएम मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत की सोच से प्रभावित बताया है। वो कांग्रेस का नाम है इसलिए मिटा दिया जाए, इसलिए कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, ये उचित नहीं। ट्विटर पे अपने कमेंट के लिए ऋषि कपूर कई बार चर्चा में और अक्सर विवाद में रहे हैं। बीफ को लेकर की गई उनकी टिप्पणी का काफी विरोध भी हुआ था। अमर सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के भीतर विरोध के सुर उठ रहे हैं। आजम खान ने इस फैसले को दुखद बताया है। लंबे अरसे से पार्टी से बाहर अमर सिंह को उम्मीदवार बनाना आजम खान को रास नहीं आ रहा है। आजम खान ने फैसले को दुखद तो बताया, लेकिन ये भी कहा कि पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जो फैसला किया है वो सबको मंजूर है। एक दुखद प्रकरण है, लेकिन नेताजी क्योंकि मालिक है पार्टी के, लिहाजा मालिक के फैसले के आगे फिर किसी का कोई अधिकार नहीं बनता। वहीं बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को डूबता हुआ जहाज करार दे दिया। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, तो अच्छा है जितने डूबने वाले लोग हैं सब एक साथ शामिल होकर के डूबे, अच्छा है। कांग्रेस इसे समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला बता रही है। समाजवादी पार्टी में भी कुछ एक ग्रुप उनकी मुखालफत करता है, लेकिन उसको सबको ओवरकम करके मुलायम सिंह जी ने फैसला लिया। इन सब बातों से बेखबर अमर सिंह ने जया प्रदा के साथ मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में पूजा अर्चना की। अमर सिंह को साल 2010 में समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया गया था। हालांकि पार्टी के भीतर विरोध के बावजूद अमर सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाना साफ दिखाता है कि मुलायम सिंह से उनकी कितनी नजदीकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के खिलाफ नक्सल समर्थन की शिकायत दर्ज कराई गई है। बस्तर के दो गांव के लोगों ने यह शिकायत की है। बस्तर के दरभा थाने में दो गांव के लोगों ने शिकायत की है कि जेएनयू के 3 से 4 प्रोफेसर ने उन्हें नक्सलियों के साथ मिलकर रहने की सलाह दी। कुछ दिन पहले जेएनयू के ये 3-4 प्रोफेसर बस्तर के कुमा कोलेंग और नामा गाँव आए थे। गाँव वालों की शिकायत के मुताबिक जेएनयू प्रोफेसर ने कहा कि पुलिस गांव वालों को सुरक्षा नहीं दे सकती। जेएनयू प्रोफेसर पर यह आरोप भी है कि उन्होंने गांव वालों को कहा कि अगर नक्सलियों का साथ नहीं दिया तो नक्सली दोनों गांव को जला देंगे। पुलिस प्रोफेसरों के खिलाफ आरोप की जांच कर रही है। क्या बात थी, क्या कहा, कुछ बोलना ठीक नहीं है जब तक कि ये पता नहीं चल जाए कि उन्होंने क्या कहा, वो किस लिए गए, ये शिकायत क्या है, ये सब जानकारी लेने पर ही पता चलेगा। वहीं राज्य सरकार का भी कहना है कि अगर आरोपों में सच्चाई होगी तो कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट हुई है, अगर नहीं हुई तो उस पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने स्वतंत्र जांच एजेंसी से मामले की जांच कराने की मांग की है। इस पूरे मामले की स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा जांच कराने से सारे तथ्य उजागर हो पाएंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में गिना जाता है।
मालेगांव ब्लास्ट केस की आरोपी साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि मालेगांव मामले में फैसला अभी आधा हुआ है, लेकिन वो इस मामले में निर्दोष साबित होंगी। साध्वी प्रज्ञा ने आज उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ में स्नान किया और साथ ही साथ जेल में जारी अनशन को भी तोड़ा। आखिरकार सरकार को उज्जैन में जारी सिंहस्थ महाकुंभ में स्नान करने की साध्वी प्रज्ञा की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ने कुंभ में पहुंचकर स्नान किया और अनशन भी तोड़ा। इससे पहले साध्वी को आज भोपाल से उज्जैन लाया गया ताकि वो कुंभ में स्नान करें और अपना अनशन तोड़ सकें। भोपाल से उज्जैन रवाना होने से पहले साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगी और उन्हें उम्मीद है कि वो निर्दोष साबित होंगी। सरकार बात नहीं मानी, सरकार मजबूर है। अदालत में मुझे भरोसा है। साध्वी प्रज्ञा ने सिंहस्थ महाकुंभ में स्नान की इजाजत न मिलने के बाद सोमवार से ही जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। मुंबई यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस का रेफरेंस बुक पर विवाद खड़ा हो गया है। इस किताब में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम गायब है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को एंटी सेकुलर बताया गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग में पॉलिटिकल साइंस कोर्स की किताब मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में वैसे तो कई बड़े भारतीय नेताओं का जिक्र है, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, इस किताब में तो गांधी और तिलक को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें एंटी सेकुलर बताया गया है। किताब में लिखा गया है कि दोनों सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे। बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव से बापू की एनालिसिस करने की चेष्टा की गई है, दुष्प्रचार का प्रयास है। कांग्रेस ने इस किताब को वापस लेने की मांग की है। गांधी जी का, नेहरू जी का नाम आप मिटा नहीं सकते। तिलक, गोखले, ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश की आजादी में एक ऐसा योगदान किया जो शायद ही दुनिया में कहीं दूसरी जगह पाया जाए। वहीं जेडीयू ने ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम से दूर रखने की बात कही है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक भारत की आजादी के प्रमुख स्तंभों में हैं, इसलिए ऐसे विषयों को पाठ्यक्रमों से दूर करना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप पे गिरफ्तार गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी के विदेशी संपर्कों की जांच शुरू हो गई है। सीबीआई ने उनके विदेशी कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी को सस्पेंड कर दिया गया है। आनंद जोशी 11 मई को अपने घर से गायब हो गए थे। उन्हें 4 दिन बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जोशी पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का केस है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने फाइटर प्लेन सुखोई 30 में उड़ान भरी। रिजिजू ने 30 मिनट तक सुखोई 30 के सुपरसोनिक रफ्तार के रोमांच को महसूस किया। पंजाब के हलवारा एयरबेस से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सुबह 9 बजे सुखोई में उड़ान भरी। गृह राज्य मंत्री रिजिजू को खुद एयरफोर्स चीफ ने सुखोई में उड़ान भरने के लिए आमंत्रित किया था। रिजिजू को रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी उड़ान भरने की मंजूरी मिली हुई थी। करीब करीब आप 2400 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में जब पहुँचते हैं तो वो स्पीड को आप बयां नहीं कर सकते, वो महसूस कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के 22 मई को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की याचिका को आज ये कहते हुए सुनने से इनकार कर दिया कि वो अपनी इस याचिका को इस मामले की पहले से सुनवाई कर रहे विशेष बेंच के सामने रखें। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बीसीसीआई चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में जस्टिस लोढ़ा कमेटी के सुझाव का हवाला देते हुए मांग की गई है कि कोर्ट बीसीसीआई चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों पर रोक लगाए जिनके खिलाफ अदालत में आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका हो। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने आज ये कहकर मामले को टाल दिया कि इस मामले को वही विशेष बेंच सुनेगी जो पहले से इस मामले की सुनवाई कर रही है। विशेष बेंच कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बैठ नहीं रही है। सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही कितनी महंगी साबित हो सकती है, इसकी मिसाल की तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद और बिहार के समस्तीपुर में देखने को मिली। अहमदाबाद में सड़क दुर्घटना में 2 लड़कियों की जान जाते जाते बची, लेकिन समस्तीपुर में 4 लोगों की मौत हो गई।
बिहार के समस्तीपुर में मार्बल से लदा ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था, तभी सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश में ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया, जिसके बाद ट्रक की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरे हादसे में अहमदाबाद में स्कूटी सवार लड़कियों की जरा सी लापरवाही से हादसा हो गया। स्कूटी सवार ये लड़कियां बिना देखे मेन रोड को पार करने की कोशिश कर रही थीं, तभी दूसरी तरफ से आती तेज रफ्तार कार से उनकी टक्कर हो गई। हालांकि महिलाओं की किस्मत अच्छी थी कि इतनी जोरदार टक्कर होने के बावजूद उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। आप पैदल हों या वाहन पर, सड़क पर चलने वालों के लिए एक ही नियम है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।